आजकल बक स्टॉप्स जैसी बहुत बातें हो रही हैं। नक्सल अटैक के बाद हर कोई पूछ रहा है वेयर डज द बक स्टॉप, और लालू जी का कहना है बक नेवर स्टॉप्स, सिर्फ बुड बक स्टॉप, समझो। और ये सुनते ही असली बुड़बक चिदंबरम जी ने कहा अयो बक स्टॉप्स एट माय टेबल। बट सीरियसली, नक्सल अटैक के बाद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए होम मिनिस्टर पी चिदंबरम ने कहा द बक स्टॉप्स एट माय टेबल, और ये सुनते ही सलमान ने कहा अच्छा सच में उसके टेबल पे बक है, मेरी गन लाओ। ऑस्ट्रेलिया में एक पॉलिटिशियन को पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने ट्विटर पर ओबामा को मंकी कहा, और उसका कहना था अच्छा आई एम सॉरी ट्विटर पे नहीं कहता, फेसबुक पे कह दूं, ओके? पर देखा आपने ऑस्ट्रेलियन होने का नुकसान, अगर यही बात कोई इंडियन कहता तो आसानी से एक्सक्यूज दे सकता था कि मैंने मंकी नहीं मां की का ओबामा की मां की। और हरभजन ने कहा मां की ये मेरे सिवा ये मां की गाली और किसने दी, ओए इस गाली पे सिर्फ मेरा हक है, समझे। तो 22 साल के वो जो निक सोर्डन हैं, जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने बाद में अपनी सफाई में कहा कि उसका कमेंट रेशियल नहीं था। ओके, मतलब उसका कहना है कि ओबामा बंदर जैसे दिखते नहीं, ओबामा बंदर ही है। इसरो ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया है, ग्रेट, बट द सैड पार्ट इज उसमें ललित मोदी को नहीं भेजा। मोर सैडली, इसरो का ये रॉकेट लॉन्च फेल हो गया, पर इसरो ने कहा कोई बात नहीं 15-20 साल में फिर भेज देंगे उसको। वैसे जब इसरो से पूछा गया कि रॉकेट लॉन्च फेल कैसे हो गया, तो उनका कहना था गलती हो गई, वो हमने जैक नहीं लगाया। तो रॉकेट गिर गया। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मांग की है कि सिगरेट और बीड़ी पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, और सिगरेट पीने वालों ने मांग की है कि उन्हें इन एक्सपर्ट्स के बाजुओं पर अपनी सिगरेट बुझाने की परमिशन दी जाए। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टैक्स 10% भी बढ़ गया ना, तो सिगरेट पीने वाले 40% तक कम हो जाएंगे। और सिगरेट पीने वालों ने कहा है सिगरेट 10% महंगी हुई तो हम गांजा भी पी लेंगे, दोनों में फर्क ही क्या है, रेट तो सेम हो जाएगा। बट मुझे समझ नहीं आता कि ये हेल्थ एक्सपर्ट्स क्यों सिगरेट पीने वालों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या सिगरेट पीने वालों ने कभी उन्हें बोला है कि भाई रात के खाने के बाद हवा बांध हरड़े या चूरन खाओ ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो और अगर सिगरेट पीने वाले लोग बुरे ही होते हैं तो ये लोग क्यों उन्हें बचाने पर तुले हुए हैं। और अब वक्त है इस समर की सबसे हॉटेस्ट रिलीज का, ऐसी फिल्में जो जल्द ही होंगी इन अ सिनेमा क्लोज टू यू। सबसे पहले आ रही है बीजेपी और शिबू सोरेन स्टारर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, देखिए पोस्टर। उसके साथ ही रिलीज हो रही है बदमाश कंपनी स्टारिंग ललित मोदी, पूर्णा पटेल, शरद पवार और एन श्रीनिवासन, देखिए। अगले हफ्ते आएगी एक एक्शन पैक्ड फिल्म स्टारिंग चिदंबरम एंड द नक्सल्स फाइट्स, देखिए। अभी आने वाली है सविता भाभी, बस ब्रेक के बाद, तब तक बजा।